हेलो एवरीवन गाइस, तुम लोगों को पता है कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे आयरन फार्म ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं और उनमें से कौन सा बनाना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा इजीएस्ट आयरन फार्म बनाएं और लास्ट में कुछ आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका आयरन फार्म दुगना वर्क करेगा। तो गाइस, बिना किसी देरी को देर करते हुए वीडियो को शुरू करें। गाइस, तो आइटम लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, आपको कुछ इस तरह ये कोई सा भी कंस्ट्रक्शन ब्लॉक लगा सकते हो आप। देन आपको ऊपर की तरफ 9 ब्लॉक्स बिल्ड करना है। देन बिल्ड करने के बाद आपको एक्सटेंड करना है इसको 3 ब्लॉक्स हर साइड से। जैसे कि मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, जैसे मैंने 3 ब्लॉक्स इधर से एक्सटेंड कर चुका है गाइस। देन आपको है ना हर साइड से ऐसे कुछ एक्सटेंड कर देना है। देखो, आपको दिखाता हूँ, जब आपका ऐसा हो जाएगा तो आप कुछ ऐसे प्रकार का देखने वालेगा। देन आपको इसकी साइड्स फिल कर देनी है पूरी, तो मैं फिल कर देता हूँ जल्दी से। देन गाइस, ये कुछ इस तरह दिखेगा। देन आपको लास्ट ब्लॉक्स में ऐसे ब्लॉक लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको ब्लॉक्स लगाना है गाइस यहाँ पर, ओके। देन उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, बेड लगा देना है कुछ जैसे मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम। ओ मैं गिर गया गाइस, बिल्कुल मेरी तरह ही लगाना है आपको गाइस, जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ पैटर्न में। तो गाइस, आपको बिल्कुल मेरी तरह लगाना है, तो मैं जल्दी उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ गाइस। एंड गाइस, जब तक मैं इसको कर रहा हूँ तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि गाइस मेरा पहला वीडियो है। देन गाइस, आपको ऐसा यहाँ पर स्पेस रखनी है थोड़ी सी। देन गाइस, आपको ऊपर की तरफ बिल्ड करना है 2 ब्लॉक्स। मैं बिल्ड कर देता हूँ गाइस, ये मैंने 2 ब्लॉक्स बिल्ड कर दिए हैं। देन गाइस, आपको सब साइड से बिल्ड कर देना है जैसे मैं आपको ये करने के बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ब्लॉक लेना है और उसको यहाँ पर लगा देना है, मतलब सारे कॉर्नर्स के अंदर लगा देना है आपको उस कंस्ट्रक्शन ब्लॉक को। मैं लगा देता हूँ उसको, ओके लास्ट वन ही है। देन गाइस, जब आपका ये हो जाए देन आपको उसको कवर करना है, तो मैं कवर करता हूँ उसको। तो गाइस, आपको कुछ इस प्रकार ऊपर की तरफ फ्लैचिंग टेबल लगा देनी है सबके अंदर जैसे मैं लगा रहा हूँ, ओके। तो मैं ये लगा दिया मैंने गाइस, ठीक है। देन गाइस, आपको उसको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कवर कर देना है कुछ इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ, ओके। तो गाइस, अब आपको चाहिए 20 विलेजर्स और आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कोई ग्रीन कलर का विलेजर ना हो, जो बेबी विलेजर जो कि आप स्क्रीन देख रहे हैं। अब आप सोचोगे कितने विलेजर लाएंगे कैसे अगर किसी को यूज़ करना है। तो गाइस, इसके लिए क्या करना है, आपको 2 विलेजर लेना है, यहाँ पर ऐसे ब्रेड फेंकनी है और फिर उसके बाद देन गाइस, फिर इन दोनों की वजह से हमारे पास आएगा एक बेबी विलेजर। ऐसे करते करते आपके पास थोड़ी ही देर में बहुत सारे हो जाएंगे विलेजर्स। 20 चाहिए आपको, हाँ ऐसे कुछ 20 विलेजर्स चाहिए। डायरेक्ट मैं आपको दे ला देता हूँ 20 विलेजर्स रखते हैं अगर हम लोग गाइस, ओके एक बेबी विलेजर आ जाए कम से कम। एंड यहाँ तो ज़ॉम्बी है ऐसे नीचे, और यहाँ ले वैसे नहीं तो यहाँ पर ही लो। और गाइस, आप देख सकते हैं बेबी विलेजर आ चुका है, लेकिन इसको आप लोगों को बड़ा करना है। देन गाइस, जब आपके 20 विलेजर हो रहे हैं तो आपको फ्लैचिंग टेबल से करना है इनको, मतलब उनकी जॉब ले लें जिससे वो फ्लैचर बन जाए। देन गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, इनके ऊपर के हिस्से को कवर कर देना है। और ये बेबी विलेजर क्या कर रहे थे, चलो छोड़ो गाइस, अपन एक काम करता है, मैं इनको कवर करते हैं जल्दी से। देखो, मैं इनको कवर करता हूँ गाइस। तो गाइस, इनको फटाफट से मैं कवर कर देता हूँ। एंड जब तक गाइस मैं इसको कवर कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ गाइस। गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार आपको ब्लॉक्स लगाने हैं यहाँ सराउंडिंग में। जब आपका बन जाए तो आपको करना है, और देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक कैट स्पॉन हो चुकी है गाइस, ब्लैक कैट है, काली बिल्ली, ठीक है। देन आपको यहाँ पर ना लास्ट साइड में ना, अब अपन बाद में बनाएंगे, पहले इसको एक ब्लॉक और हाई कर देना है गाइस, इसको एक ब्लॉक और हाई कर देना है आपको गाइस। मैं कर देता हूँ उसको एक्सटेंड कर देना है इसको एक ब्लॉक, और इस काली बिल्ली को हटाना पड़ेगा गाइस। गाइस, ये परेशान करिए यार गाइस, कोई आइडिया है, हाँ गाइस वही, और शायद अब तक तो मर चुकी होगी गाइस वो। वैसे तो रियल लाइफ में बिल्लियाँ ऐसे करती नहीं हैं, वो बच जाती हैं, बट अब माइनक्राफ्ट तो अनलॉजिकल गेम है गाइस, क्या कर सकते हैं।
देन उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर नीचे आना है, देन यहाँ पर आपको लगाने हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक तोड़ना है। ओह सॉरी, ये तो गलत तोड़ लिया मैंने, रुको यहाँ पर तोड़ता हूँ। देन उसके बाद गाइस आपको करना है, इधर में तोड़ना, इधर का तोड़ना है गाइस और इधर का लगा देना है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। देन ऊपर का ब्लॉक तोड़ना है गाइस, देन आगे की तरफ एक ब्लॉक एक्सटेंड करना है इसको। यहाँ पर आप बनाएंगे अपना रिस्टो, मतलब जहाँ पर आपका आयरन जाएगा तो उसको लगा दो। मैं फटाफट से ये लग गया। एंड गाइस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हॉपर लगेगा। एंड गाइस आपको ध्यान रहना है कि आपका हॉपर कनेक्टेड रहे उससे। देन गाइस आपको यहाँ पर संभल के एक हॉपर लगाना है अच्छे से। ओह मैंने मार दिया गलती से उसको एक फटका। देन गाइस यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ ब्लॉक्स फेंक के देख लेते हैं गाइस ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसमें बॉक्स फेंकता हूँ। देन गाइस आप देख सकते हो ये हॉपर वर्क कर रहा है, तो मैं उससे बॉक्स निकाल लेता हूँ। ब्लॉक्स ही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने ब्लॉक्स निकालने हैं गाइस, निकाल लिए हैं। और ये कैट आ चुकी है, वाइट बिल्ली पहले काली आई थी, अब वाइट आई है गाइस। देन गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर फेंसिंग लगानी है आप, तो मैं इधर फेंसिंग लगाता हूँ फटाफट से। पहले एक ऊपर ब्लॉक कवर कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर एक लगेगी, देन एक यहाँ पर लगेगा, देन एक यहाँ पर लगेगा। देन गाइस अब आपको क्या करना है, देन गाइस आपको एक साइड में एक और फेंस लगा देनी है, इसके मतलब जस्ट लेफ्ट में एक और फेंस लगानी है। देन उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, लावा प्रेस करनी है, तो मैं जल्दी से लावा लगा देता हूँ। एंड यहाँ पर दो ब्लॉक्स कुछ ऐसे लगाना है, और सॉरी मैंने गलत डाल दिया था, हाँ ऐसे लगाना है और ऐसे पानी डाल देना है गाइस। जैसे अपना किलिंग चैम्बर अब बन चुका है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है गाइस, आपको ध्यान देना है कि कोई नीचे आयरन गोलम ना हो, वरना यहाँ पर स्पॉन नहीं होंगे आयरन गोलम गाइस, ठीक है गाइस। तो अब मेरे को थोड़ी सी लीव लेनी है, जिससे अगर आयरन गोलम स्पॉन नहीं होंगे दीवारों के ऊपर, वो डायरेक्ट क्लेम चैम्बर के अंदर ही स्पॉन होंगे गाइस। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ, एंड हो गया बस। तो गाइस जल्दी से मैं इधर ये लगा देता हूँ अपनी लीव्स, एंड ये लास्ट बची है गाइस लीव, लगा देता हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ एक आयरन गोलम स्पॉन भी हो चुका है इतनी सी देर में। एंड ये रे बिल्ली हट जाती हूँ यहाँ से, एंड ये मर चुका है गाइस, दोनों मर चुके हैं आयरन गोलम हमारे। देन गाइस आपको स्कूप फोल्डिंग लेनी है, अगर मैं गलत प्रोनंसिएशन ले रहा हूँ तो गाइस सॉरी, जैसे बोल गया। देन आपको ऊपर की तरफ उसको बिल्डअप करना है, बिल्डअप हो जाने के बाद आपको ब्लॉक लगाते हैं जिससे आप वहाँ जा सको। मैं लीव लगा रहा हूँ, ठीक है। ओ ओ हाँ ऐसे, और यहाँ पर अरे रुको मैं बंद करते हैं चैम्बर। ओके तो आप यहाँ देख सकते हो आयरन आ रहा है इधर इसके अंदर, बट क्या ये मेरा पानी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, अब सही आएगा गाइस। तो गाइस तो लोग देख सकते हैं यहाँ पर आयरन आ चुके हैं गाइस। जिन टिप पर वेट कर रहे हैं आपको कुछ पता होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आप आयरन फार्म बनाएं और कोई भी क्लेम ना हो। एंड गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके आयरन फार्म में ज़्यादा कैट स्पॉन हो रही हूँ तो आप उनको टीम कर लें और नीचे बांध दें। इससे दो फायदे होंगे, उससे क्रीपर भी आपके फार्म के पास नहीं आके फटेंगे, और दूसरी थिंग ये होगी कि उससे और वहाँ पर कम कैट्स और आयरन गोलम ज़्यादा स्पॉन होंगे। एंड गाइस आई होप यू लव दिस वीडियो, इफ़ यू लव डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।